अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या मैं एक देर तक खिताब करूं या एक तीन चार मिनट में अपनी बात को खत्म करूं। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप तफसील से गुफ्तगू सुनना चाहते हैं तो मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि जब आप जलसे के अख्तिताम के बाद अपने घर को वापस जाएंगे, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप पूरे इत्मीनान के साथ और अमन को बरकरार रखते हुए आप लोग अपने घर को वापस जाएंगे। दूसरी बात कि जब आप अपने घर को वापस जाएंगे, ये जो तिरंगा जिसको देखकर हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, इस तिरंगे को आप अपने साथ लेकर जाएंगे। इस तिरंगे को आप किसी रोड पर नहीं फेंकेंगे बल्कि इसको अपने साथ लपेट कर अपने घर को लेकर जाएंगे। हमारे मुल्क में, वतन अजीज में, कोई किसी को मत बोलो, बैठ जाओ, आप पूरे बैठो, हमारे वतन अजीज में तिरंगे का कानून है और तिरंगे की बेहरमती पर एक क्रिमिनल केस बुक होता है। इसलिए मेरी आपसे अदबन गुजारिश है, इस तिरंगे को अपने साथ लेकर जाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो मुझसे वादा किए हैं उस पर कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। और जब आप जाएंगे, दारुस्सलाम से निकल कर रवाना होंगे, इस बात का खास ख्याल रखिए कि हमारी इज्जतदार माँ और बहनें भी इस जलसे में शिरकत कर रही है, उनको भी पूरे इत्मीनान और इज्जत के साथ उनको अपने घर को वापस होना है। और मेरी नौजवानों से दरख्वास्त है कि पहले हमारी माँ और बहनों को जाने का रास्ता फराहम करें, चाहे वो हमारे ख्वातीन सहाफ़ी या जर्नलिस्ट क्यों ना हो, और पूरे इत्मीनान के साथ आप अपने घर को जाइए। और अगर कोई शरपसंदी का इरादा रखता है तो उसको आप रोकिए। मैं तिरंगे के ताल्लुक से आपसे कह रहा था, मैं एक और आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगा, वो ये है, बल्कि इस जलसे के जरिए पूरे वतन अजीज के, हमारे तमाम हिंदुस्तान के शहरियों से अपील कर रहा हूं कि जो कोई भी भारत में NRC और CAA के खिलाफ है, वो कल से अपने घर की छत के ऊपर तिरंगा लगाएगा, ताकि जिसके घर पर तिरंगा लहराएगा मुल्क ये जान लेगा कि ये मोदी के काले कानून के खिलाफ है। और जिसके घर पर तिरंगा नहीं लगेगा, दुनिया समझ जाएगी कि ये भारत को दोबारा पार्टीशन की राह पर लेकर जा रहा है। तो क्या कल से आप अपने घर की छत के ऊपर तिरंगा लहराएंगे? हर घर की छत के ऊपर तिरंगा लहराना मेरे भाई, ताकि इनको मालूम हो जाए ये तिरंगा देखकर संघ परिवार को, मोदी को और अमित शाह को मालूम हो जाएगा, अरे ये घर भारत का घर है, ये घर हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाला घर है। और जो कोई भी अपना तिरंगा अपने घर पर लहराएगा, वो पैगाम देगा BJP और RSS को कि आज हमारे मुल्क में गांधी जिंदा नहीं है, मगर गांधी के उसूल आज भी जिंदा है। जो तिरंगा अपने घर पर लहराएगा, वो संघ परिवार को और BJP को पैगाम देगा कि अंबेडकर जिंदा नहीं है,
मगर अंबेडकर का संविधान आज भी जिंदा है। जिसके घर पर तिरंगा लहराएगा वो पैगाम देगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने हमसे कहा था, दिल्ली के जामा मस्जिद की सीढ़ियों के सामने खड़े होकर मौलाना ने कहा था, मुसलमानों से मुखातिब होकर कहा था कि तुम पाकिस्तान को मत जाओ, तुम हिजरत के मुकद्दस काम पर फरार की जिंदगी नहीं गुजार सकते। तो जिसके घर पर तिरंगा लहराएगा वो मौलाना आजाद को याद रखेगा, जिसके घर पर तिरंगा लहराएगा वो इन जालिम फासिस्ट ताकतों को पैगाम देगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे दरमियान में नहीं है, मगर देखो ये तिरंगा लहरा रहा है वो फासिज्म के खिलाफ हमारी एक निशानी है। जिसके घर पर कल सा तिरंगा लहराएगा वो पैगाम देगा कि ये भारत गोलवालकर का मुल्क नहीं, ये गांधी अंबेडकर और नेहरू का मौलाना आजाद का मुल्क है। तो मेरे भाई मेरी आपसे दरखास्त है कि जब तक ये एहतजाज चलेगा अपने घर पर तिरंगे को लहराते रहना। तिरंगा लहराता रहेगा तो बीजेपी को मालूम होगा कि देखो हमने बहुत गलत और काला कानून बनाया। ये लड़ाई CAA की और NRC की सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये हरगिज सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। और अगर कोई मुझसे आकर ये कहेगा कि मुसलमान इस लड़ाई में अकेले, तो मैं उनसे कहूंगा कि हाँ, अगर मुसलमान अकेला भी है तो हमको इसकी कोई फिक्र नहीं है, ना ही हमको इसकी कोई शर्मिंदगी है, इसलिए कि हम भारत को बचाने की लड़ाई लड़े, हम मुल्क को बचाने की लड़ाई लड़े। और याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस लड़ाई में हमारे साथ हमारे हिंदू भाई भी है, हमारे दलित भाई भी है, हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब भाई भी है, बल्कि मुल्क का एक बहुत बड़ा तबका हमारे साथ